दूंगा तुमको। संभाजी महाराज और कवि कलश की आंखों में इतना सा भी डर नहीं था। उसको बोले कि मैं मराठाओं की जमीन तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, अपने धर्म का बलिदान नहीं करूंगा। 1000 बार मारो, अगली बार फिर जन्म लूंगा, अपने ही धर्म में लूंगा। रुका नहीं औरंगजेब। इन दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया और शरीर को लेकर सुन्न हो गए। वो उनके नाखून उखाड़ते चले गए, आंखों में मिर्चियां डालते चले गए। उसके बाद जलती सलाखें लेके आंखों में डालते वक्त फिर पूछा, उसको भी डाल दिया। ये बोले नहीं कुछ भी, ये शांत खड़े रहे। पीड़ा बहुत हुई लेकिन ये नहीं बोले हमको छोड़ दो, माफ कर दो। उंगलियां काटनी शुरू करी, पांव की काटी, पांव काटे, हाथ काट दिए, बालों को उखाड़ दिया, वो हाल किया। उसके बाद धीरे धीरे खाल उतारने लगे। हर बार पूछते थे तीन प्रश्न, अपना धन दे दो, जमीन दे दो और धर्म परिवर्तन कर लो। ये सुन खड़े रहे वहां पे। ये दर्दनाक सिलसिला 40 दिन तक चलता रहा। औरंगजेब रोज शाम को आके उनसे पूछता था, बता दो बता दो। और आखिरी में बोला कि मैं तुम्हारे आगे हार मान गया, मेरी चार संतानें, अगर मेरा एक भी बेटा तेरे जैसा होता ना संभाजी महाराज, पूरे देश को मुगल सल्तनत बना देता, इस देश को, भारतवर्ष को मुगल सल्तनत बना देता। तेरे आगे मैं हार मान गया। काट डालो उसका शरीर, काट डालो उसका शरीर। टुकड़े टुकड़े कर दिए उनके, वाघ नख लेके छोटे छोटे टुकड़े करके उनको बोला नदी के पास फेंक दो। समस्त मुगल राजाओं में औरंगजेब एक अमानवीय इनह्यूमन राजा था। बहरहाल मौका मिल गया सारे मराठाओं को एक होने का। उन्होंने शरीर के टुकड़े उठाए शंभूजी महाराज के, उनको सिल के उनका अंतिम संस्कार किया। लेकिन अब हर घर महल बन गया, हर औरत सेना में आ गई, हर पत्ता तीर बन गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। सारी मराठा कम्युनिटी एक हो गई और उसके बाद दोबारा युद्ध छेड़ा गया। खत्म हो गया दक्कन का सुल्तान बनने का उसका सपना। कुछ ही साल के अंदर वहीं दक्कन की भूमि में मारा गया, वहीं खत्म हो गया। औरंगजेब देश को नहीं जीत पाया। गर्व है मुझे कि मैंने जन्म लिया ऐसे देश में जहां वीर मराठा संभाजी महाराज का जन्म हुआ। पर दुख है मुझे कि देश आज ऐसे वीरों को भूलता चला जा रहा है। आज मेरी, आपकी, हर मराठा की और पूरे देश की जिम्मेदारी है कि इनकी कहानी पूरे देश को पता लगनी चाहिए। इस वीडियो को आग की तरह पूरे देश में फैला दो, बंद मत कर देना। इस वीडियो को शेयर किए बिना लाइक करिए। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा कॉमेंट में मेरे को फीडबैक दीजिए। और किसका वीडियो आप देखना चाहते हैं मेरे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हर बार इस तरह के वीडियोस देखने के लिए दिल से आप सबका धन्यवाद।